अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दूध में मैंने रोटी डाल के रखी हूँ, बिगने गरम हो गया था दूध। तो इधर खजूर के छिलके निकाल के ले ली, इसको मैश कर लूँगी। शहजान और शहयाज के लिए दूध रोटी दे रही हूँ मैं, खजूर वाली। इसको अच्छे से ऐसा मैश कर लूँगी, इसमें वो मिला के ऐसा करके दे दूँगी, दोनों खा लेंगे। इनका ब्रेकफास्ट यही है आज का, हम दोनों चाय टोस्ट या कुछ भी खा लेंगे। मस्कापो लेके आएगा। दूध रोटी पी रहा है, खा बोले तो। ये भी उसका देख के ये भी वैसे ही मांगा। ये मस्का पो है, रोटी इन लोग को खिला दी। दो दिया जनाब। वो रखूंगी मैं इसको ऐसा खर खर करके काट, अंदर बहुत कड़क है। देखिए आवाज आ रही, क्रंचीनेस इतनी कड़क रहती है, बताओ। बहुत टाइम हो गया मस्का पो, पहले ना हम लोग डेली खाते थे, कितना 2 साल पहले। फिर बाद में फील हुआ मस्का है, डेली खाना भी बेकार है, पाव भी है करके, फिर हम लोग रोटी वगैरह खाने लगे। रोटी बनाती थी रात में बनाती थी, तो अभी अभी हम लोग मस्का को कम किए थे, पहले बहुत खाते थे। बहुत से मुंबई कर्स ना मस्का पो ही खाते हैं। मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए कौन कौन मस्का पो खाया हुआ है, मुंबई वाला है या बाहर वाला है। मस्का पो कौन कौन खाए ये बताइए जरा। बहुत ज्यादा कड़क है जनाब। हाँ बहुत ज्यादा कड़क है। ये है मस्का, उधर चाय पक रही है। ये मस्का पो की नाइफ है, छुरी मस्के की, ऐसा लेके ऐसा लगाते हैं। कर्नाटक में तो ये मस्का पो क्या है पता भी नहीं रहेगा, हमारे उधर मिलता ही नहीं। उधर ऐसा पाव अलग ही पाव मिलता है, चाय पाव खाते उधर, पाव ज़्यादा यूज भी नहीं करते उधर, सिर्फ मुंबई में ही पाव फेमस है। लेकिन मुंबई की पाव जैसी पाव कहीं मिलना मुश्किल है, नहीं मिलती। हम लोग गांव जाते ना लॉन्ग टाइम के लिए, तो मस्का पो या नरब पो याद आ जाता हम लोग। उतना तो खाते नहीं, लेकिन कभी कभार खाते तो भी याद आता है। ऐसा सबको लगा लेंगे। चाय बन रही है हमारी। शयास कहीं के लिए इतना आवाज कर रहा है? नहीं करने का, ऐसा टूट जाएगी गाड़ी पागल। हाँ शयास तो मस्का चोर है, कहीं भी मस्का रखो उठा के खा लेता है। जा बस बस जा, पाव में खा ले लो। चलो 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 निकलो उधर, ला रही हूँ मैं। चाय हमारी बन गई है, इसको अभी हम छान लेंगे जग में, फिर सारी है सब लोग इसमें डुबा डुबा के खाएंगे। डुबाते कम, चम्मच से ले लेके खाएंगे। आधा जग चाय, 4 पाव के लिए इसमें चम्मच रख दूंगी। आज खा रहे हैं मस्का पाव, बहुत दिनों बाद। लॉकडाउन में इतना खाते थे इसको? हाँ पूरा साल खाए ले हम लोग। हेलो शहजान, मुंबई का आम नाश्ता ही। हाँ ये देखो हमारे शहजान, आम नाश्ता है, लेकिन आम किधर है? शहजान भाग गया।
अभी मैं बनाने जा रही हूँ भाजी का चार, बीन्स और तुअर की दाल डाल के बनाने वाली हूँ। इधर मसाले ले ली हूँ। इसका पूरा डिटेल रेसिपी मेरे और एक चैनल में मैं अपलोड करूँगी, इसमें करूँगी तो लंबी हो जाएगी, तो आप उसमें ए टू जेड देख सकते हैं। आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो समीनास कुकिंग बोल के है, मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल के रहूँगी, आप डायरेक्ट लिंक दबा दीजिए तो डायरेक्ट आपको रेसिपी मिल जाएगी। ये मैंने देखिए भाजी बना दी हूँ और इधर भाजी का चार बना दी मैंने। अब इधर बर्तन है धो लेती हूँ, फिर अभी लोग बैठे चावल चढ़ा रही हूँ। ये देखिए मतलब दो लाइन जितना पानी में डाली हूँ, दो गिलास चावल के लिए, आधा किलो चावल और आधा चम्मच उतना नमक डाल दी। नमक कम भी डाल देंगे तो चल जाता है, सालन में मैनेज कर सकते हैं। और ये थोड़े से चावल मैंने निकाल के ले ली हूँ इडली बनाने के लिए। ये राशन के मोटे चावल हैं, ये इडली के लिए बहुत अच्छा रहता है। दो गिलास चावल मैंने ले ली हूँ। कल इडली बनाने का प्लान है तो मैंने ये चावल, उड़द की दाल और मेथी दाना डाल के रखी हूँ। इसका पूरा मेजरमेंट का वीडियो सब आपको मिल जाएगा कल, कल इसका डिटेल वीडियो डाल दूंगी मैं इडली रेसिपी। अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, भाजी का चार बन गया, चावल भी बना दी, अभी लंच कर रहे हैं। इडली को डाल दी हूँ, कल इडली बनाने का है, इडली सांभर चटनी। हाँ गरम है, गरम है। नो फटाफट खा के लिए शहजान, शहजान का तो खाने के टाइम हमेशा सताना ही रहता है। खाना पीना हो गया है अभी हम लोग का, अभी शहजान को नींद आई लगता, सुला देती हूँ। सही अपने यहाँ से खा रहा है, खत्म हो गया, वेरी गुड। भाजी का चार है ना, अच्छा खासा भाजी चले जाती, बिन बोले मालूम भी नहीं पड़ता कि इसमें भाजी था। बच्चों लोग को ऐसा दे देने का, ठीक करेगा तो चुपचाप खा लेते हैं। हाय शहजान बहुत नींद आके किरकिर करने लग जाता है। अभी शहजान को खाना खिला रही हूँ मैं, खाके सो जाएगा। फिक्का फिक्का रहता है ना, खा लेता है। बच्चों लोग को ऐसा दे देने का, उसमें कांदा ना आवे, टमाटर ना आवे, चुपचाप खा लेते। कुछ भी बीच बीच में आता ना तो छिड़के नहीं खाते वो लोग, और तेज रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं खाते वो। कुछ कुछ बच्चे निकल जाते हैं सौ में से एक जो तेज खा लेते हैं। चोनू भूख लगी, खाना है मम्मू को, ये खिलाओ बोले, ये खा रहा हूँ बोले। हाँ ये खा रहे हो तुम, क्या खा रहे हो शना, ये खा रहे हो। शहजान अभी ना 19 महीने का हो गया है। अच्छा है, तेज दी तो अच्छा है। मैं पहले तेज खिलाने की कोशिश करी थी शहजान को, लेकिन वो नहीं खाता था, तो फिर मैंने फिक्का खिला के देखी तो खाने लगा। फिर मैं बोली इसको फिक्का ही खिलाती हूँ, तेज जरूरी नहीं है खाना। बहुत से लोग बोलते हैं तेज खिलाएंगे तो चालाक होते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तेज तो सिर्फ मुंह का मजा है, उसमें कुछ नहीं होता है चालाक वाला, उल्टा हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी होती है, गैस होता है उसमें, लेकिन हमारे मुंह के मजे है उसे। अभी सऊदी उधर साइड ना मिर्ची यूज ही नहीं करते, सऊदी में तुर्की में कम ऑप्शनल है, अलग से तेज वगैरह डाल के खाते हैं। मेरा पूरा काम खत्म हो गया है, अभी शहजान को सुला दूंगी। जो भी थे बर्तन भी धो दी मैंने। ये देखिए इसमें सालन का छोटी तपेली में निकाल के मैंने फ्रिज में रख दी हूँ। मैं फ्रिज में ही रखती हूँ खाना पीना होने के बाद, फिर मैं गर्म करती नहीं हूँ, फिर रात में खाने के टाइम पे गर्म करके खा लेते हैं। फिर अभी बाहर रखते हैं, फिर मगरिब में गर्म करो, फिर गैस वेस्टिंग।
यार शर्मिला टैगोर शेजान चलो सोते हैं, भाई को देख के हंसी आ रही। शेजान हाँ बम फूट रहा है। हाँ बम, चलो नीचे अभी तकिया डालते, चादर बिछाते, शेजान को सुला दूंगी मैं। अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के। शेजान को सुला रही हूँ, सो रहा नहीं है वो। जब नहीं सोता है ना तब मैं वो टाइम पे नात गा के सुलाती हूँ। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, से काबा तेरा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हज का करम हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा, मीठा मदीना में मीठा मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आती मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। रोती रहे जो हर घड़ी के रसूल में, रोती रहे जो हर घड़ी के रसूल में, ओ आँख दे दे या खुदा या रब्बे मुस्तफा। शयास को शैदान को गुड़ पोहा बना के दे रही हूँ मैं, ये खरोच रही हूँ मैं गुड़। तुझे तुझे चटनी खाना है, ऐसा 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 मिला लेंगे थोड़ा पानी छिड़क के। भाजी का अचार का रेसिपी का वीडियो एडिटिंग कर रही थी मैं, एडिट करके डाल दी मैंने, अपलोड कर दी हूँ मेरे वो वाले चैनल में, दूसरे समीनास कुकिंग 786 करके है वो चैनल पे, आप विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं डेली रेसिपीज बनाऊंगी उसको डिटेल से मैं उसमें डालने वाली हूँ। आज मैंने भाजी का अचार रेसिपी एकदम डिटेल में डाली हूँ, बीन्स की भाजी का अचार, आप चाहे तो उसमें जाके देख सकते हैं। और मैं कल इडली बनाने वाली हूँ उसकी भी रेसिपी मैं शूट कर रही हूँ, उसका भी मैं कल अपलोड करूँगी। देखिए अभी आटा मैंने पीस के रखी हूँ, थोड़े बर्तन है खोलूँगी मैं। शजान शायद खेल रहे, तो क्या है भाई ये लोग दादी। चलिए आज बनाते हैं टर्किश एग। पानी सबसे पहले मैं उबाल ली हूँ, उबलते हुए खोलते हुए पानी में मैं एक अंडे को फोड़ के डाल दूंगी। ऐसे सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है ये, बच्चों को बड़ों को सबको अच्छा लगेगा। इसमें लगने वाला है दही, एक अंडा और थोड़ा सा ओरिगेनो, थोड़ा सा हरा धनिया, बस। आपके पास सेबू की भाजी रहेंगी ना वो भी ऊपर से काट के डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दी, 1 पिंच उतना। पानी में उबल रहा है अभी ये एग, शयास को इतना पसंद है ना, ये वेट कर रहा है खाने के लिए कब से। दादी भी आए हुए हैं शयास के, तो बैठे हैं सब लोग, ये लोग बाहर हवा खा रहे गैलरी में बैठ के, बच्चे लोग भी अम्मी। तो अभी ये मैं अच्छा पकने देती हूँ थोड़ी देर, जब तक ये पीलापन जो है वो गायब नहीं हो जाता तब तक पूरी तरह से पका ले रही हूँ। ये बीच में दबा के देखी तो पक गया है, तो अभी मैं गैस ऑफ कर दूँगी। हाँ ऑलमोस्ट ये बन गया है, गैस ऑफ कर दी मैंने। इसको एक प्लेट में ले लेती हूँ, फिर इसको अच्छे से सर्व कर लेते हैं। एक प्लेट और एक ले लूँगी मैं। इधर मैं हरा धनिया ले ली हूँ, कोथमीर इसको एकदम बारीक से काट ले रही हूँ। ऊपर से गार्निश करेंगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए।
अच्छा लगता है बच्चों को भी बड़ों को भी। ये दही ले ली, उसमें एक दो तीन चुटकी उतना नमक डाल दी, अच्छा सा फेंट ली इसको मैंने, एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है इसके अंदर। ये देखिए एक प्लेट ले ली मैंने, दही डाल दी, इसको गोल सर्कल कर ली, जितना वो एग है उतने साइज का गोल घुमा ली मैंने। ऐसा ही आप दो तीन आमलेट भी ऐसा, दो तीन ऐसा अंडे डालेंगे ना अलग अलग करके, तो इधर एक अंडा उधर एक अंडा इधर एक अंडा रख सकते हैं आप। मैंने एक ही अंडे का बना रही हूँ सिंपल सा, कि ओरिगेनो है मिल जाता है 10 की एक पैकेट आती है। नहीं भी रहेगा ना आपके पास, थोड़ा सा धनिया पाउडर छिड़क सकते हैं बस, फिर उसके ऊपर ये डाल दी मैंने हरा धनिया कोथमीर, या तो काली मिरी पाउडर आप छिड़क के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ओरिगेनो नहीं रहेगा तो काली मिरी पाउडर या तो धनिया पाउडर। ये देखिए नीचे से दही ऊपर से अंडा, ऐसा उठा के खाएंगे ना मज़ा ही आ जाएगा, चीज़ फ्लेवर आएगा इसमें, और ऊपर से आप चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये मैंने टोस्ट ले ली हूँ, टोस्ट को इसका ऐसा लगा के खाते हैं इसको, टर्किश एग, टर्किश स्टाइल में है ये सब, इस्तांबुल रेसिपीज है, इस तरह से इसको टोस्ट में लगा के खाते हैं। देखने में भी इतना डिलीशियस लग रहा है और खाने में भी इतना टेस्टी था, जबकि उसमें कुछ है ही नहीं आइटम, सिर्फ एग था, दही थी, कोथमीर और ओरिगेनो और थोड़ा सा नमक, पांच चीज़ों बन गया। और इसको रस्क ले ली मैंने टोस्ट, जो भी घर में टोस्ट रहेगा या तो टोस्ट ही अच्छा लगेगा, उसमें पाव रहेगा तो भी अच्छा लगेगा, मस्का पाव या तो कड़क पाव उसमें लगा के खा सकते हैं। वहाँ टर्किश ब्रेड बोल के मिलता है इस्तांबुल में, इधर भी मिलना मुश्किल है लेकिन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, उसमें ऐसा लगा के खाते हैं वो लोग। ये देखिए इनको पसंद आ गया बच्चों को, ये खा रहे शयास को तो इतना फेवरेट है, एकदम चीज़ का फ्लेवर आ रहा है ना, चीज़ टोस्ट खाए जैसा लगा। कुछ नया कुछ अनोखा टोस्ट अच्छा है टेस्ट। छोड़ टोस्ट लेके आ जाके वेजिटेबल काट के ले रही हूँ, रात में ही मैं तैयारी कर ले रही हूँ सांबर की, और सुबह में स्कूल है इसलिए लेट होएगा। तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, हमारा डिनर हो गया है, आज का ये ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, बाय गुड नाइट, बाय कर रहे हैं देखो, बाय बाय।